is mom, Vene, Valda, Khala, हमारे साथ में आए हुए हैं हमारे भाई भाईजान सब. मुझे इस बात की खुशी है कि अब हमारे हमारे बीच हमारे साथ आप लोग भी शामिल होने लगे, बोलने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए. ये बात बहुत खुशी की है. लड़कियां तैयार होती हैं और सामने स्टेज फ्राइट जो बोलते हैं, स्टेज में उठ के आपके अपनी बात रखना और अपनी बात कबूल करवाना, ये बहुत बड़ी बात है. तो दोनों हमारी बच्चियों को बल्कि उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती हूँ. ऐसे ही आप बाहर आइए, बोलिए, ताकि अपनी लेडीज़ को अपन हिम्मत दे सकें. क्यों ये बाहर निकलती नहीं है, घर में रहती हैं, बाहर निकलती नहीं है. अपनी लेडीज़ की समस्या बहुत सी होती है, घर में रह के भी बहुत सारी समस्या होती है. उन समस्या को समझने के लिए आप जैसे एजुकेटेड लोग अगर उनमें गए तो मेरे को ज़रूरत ऐसे लगती है कि लकी आप लोगों की समस्या दूर हो सकती है. और हम महिलाएँ जो दुर्बल, घर में रोटी पकाना और घर संभालना ये होता है, उसमें से निकल के कुछ अपने लिए, अपने घर के लिए, संसार के लिए कुछ अपन अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं. इसलिए मुझे आप दोनों से दरख्वास्त है कि आपने इसमें आप महिलाओं को मदद करना जरूर करना. और बाकी कुछ मेरे तरफ से कुछ हुआ तो नक्की मैं आप लोगों को कभी भी 24/7 आई एम ऑलवेज देयर. मैं मराठी बोलूँ कि हिंदी बोलूँ? मैं माझी मराठी जरा जरा जास्त चांगली हिंदीपेक्षा. नहीं नहीं हिंदी पण आहे, पण कभी बोलते बोलते मैं मराठी बोल गई तो फिर मेरे को पता भी नहीं चलेगा. तो संभाल लेना. अभी आप सबको मालूम है कि आने वाले 18 तारीख को सगळे आपल्या या भागातले महिला जे आले, तुम्ही 18 तारखेला लोकसभाच्या निवडणुकी आहेत आणि लोकसभाच्या निवडणुकी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार, महाआघाडीचे उमेदवार माननीय अशोकराव चव्हाण साहेब उभे आहेत. तुम्हाला सगळ्यांना हात जोडून विनंती करायला आली की आपण त्यांना मतदान करा, अशोक चव्हाणांना मतदान करा, पंजाला मतदान करा, या गोष्टी सांगण्यासाठी आली. गेल्या कितीक 5 वर्षापासून आपण बघतात, अभी जैसे इन्होंने कहा मोदी आएगा, भाइयों बहनों बोलेगा, वो तो हमेशा भाइयों बहनों बोलता है, उसके सिवा उसको आता भी नहीं. एक इंसान, एक सरकार जब बनती है तो हुकूमत हमेशा गौर गरीब जनता और अपनी आवाम के लिए जो कुछ करा सकती है, जो कुछ योजना ला सकती है, वो अपने आवाम गौर गरीब जनता उसके लिए लाती है. ये सरकार ऐसी बनी है जो गौर गरीब जनता को छोड़ो, उन्होंने अपने अपने बड़े बड़े लोगों को उनके पेट भरे, उनको बड़ा बड़ा करके दे दिया. यहाँ हम कर्ज बाजारी बन गए. यहाँ हमारे शेतकरी म्हणजे अपने जो किसान भाई हैं आत्महत्या कर रहे हैं. अपने को महंगाई इतनी बढ़ गई है. आप सबको उज्ज्वला गैस से कुछ गैस मिली? सबको फ्री ऑफ चार्ज गैस थी क्या? उज्ज्वला गैस स्कीम में से किसी को नहीं मिली? अरे स्कीम निकली ना उन्होंने, उज्ज्वला गैस फ्री सिलेंडर, फ्री सिगड़ी. हाँ आपने लिया नहीं, बच गए. क्यों? अभी 200 रुपये में देते, बाद में 800 रुपये का कीमत देंगे. यही सिलेंडर जो हम लोग के टाइम पे कांग्रेस के थे 300 रुपये का था, जब उसको 400 रुपये का हुआ, यही सिलेंडर के लिए हेमा मालिनी जी, स्मृति ईरानी जी, सब सुषमा स्वराज जी सब रास्ते पे उतर के इतना उन्होंने बवाल खड़ा किया था. आज वही सिलेंडर का कीमत 800 रुपये हुआ, एक आवाज़ नहीं निकालते वो लोग. अभी इस बार हम कुछ बोलने जाते हैं तो हमारे को आवाज़ दबा देते हैं. पिछले बार आपने देखा पुलवामा का किस्सा, हमारे 40 जवान गुजर गए. सबने टीवी पे तो देखा ही होगा ना, 40 जवान अपने गुजर गए जो सीमा में, सीमा पर हमारी हिफाजत के लिए जाते हैं. उस जवानों की अगर रक्षा नहीं कर सकता, ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बनने के लायक ही नहीं, ये मेरा कहना है. जब 200 जवान जा रहे, 40 जवान जा रहे हैं, उसके आगे 200 किलो का RDX का ट्रक आके उसको धड़क देता है, जवानों को ट्रक को धड़क देता है, और ट्रक उधर का उधर 40 जवान जगह पे मरते हैं. और ये हमारे पंतप्रधान कहीं दूर जाके शूटिंग में बढ़ा है, अपने शेर बचाने की शूटिंग में बढ़ा है कि शेर बचाना है, और उसे मालूम ही नहीं कि 40 जवानों की जान गई. हालांकि उन जवानों ने बोला था कि हमें एक सीमा से दूसरे जवान हेलीकॉप्टर में भेजिए, तो इन्होंने भेजा नहीं. ये इतनी अपनी दूर हालत है जवानों की. वो जवान जो अपने जान को मुट्ठी में रख के सीमा पर खड़े रहते हैं, ठंडी में, गर्मी में, भूखे प्यासे खड़े रहते हैं सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए, उन जवानों की अगर सुरक्षा नहीं रखते थे, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? और लगे इमीडिएटली उसने क्या किया, 3-4 दिन के बाद एयर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक दिखाई, टीवी पे सबको दिखाया कि हमारे प्लेन जा रहे हैं और कहीं जाकर उन्होंने
गोला बारूद किया। आपने देखे कितने आदमी मरे? जवान तो देखे कि उनकी शव हमारे अपने घरों में नांदेड़ में भोकर मतदार संघ में लोग हमारे स्वतंत्र सैनिक जवान मरे। तो इन सब चीजों की जवाबदारी कौन है? महंगाई इतनी बढ़ गई, दाल की कीमत बढ़ गई, आज गरीब आदमी चलेगा कैसे? एक मिनट बेटा प्लीज। ओ बच्चो, महागाई एवढी वाढली आहे की आपण काहीच करू शकत नाही। आपला जेला गरीब माणूस आहे, मिडल क्लास माणूस आहे, त्याला काही बोलता येत नाही, काय करता येत नाही। त्यांनी आपल्या बजेटेड लाईफमध्ये ज्यांची त्यांची कमाई असते त्याच्यामध्ये त्यांनी जीवन करायचं, तर महिलांना हे एवढं अवघड झालं आहे। हे गेल्या 5 वर्षामधून शेतकरी बेहाल आहेत, गोरगरीब छोटे छोटे मोठे जे लोक व्यापारी होते ते बेहाल आहेत, आणि सगळ्यांना त्यांनी त्रास होऊन दिलेला आहे। त्यामुळे आत्ता जागाची गरज आहे, कारण येणारा हा जो मतदान आहे आपल्याला 2014-2018 ते मतदान जर आपण केलं आणि ह्या सरकारला पाडला तर पुढची सरकार जी आपली येईल तर नक्कीच आपल्याला आपला हुकुमशाही लोकशाहीची येईल, हुकुमशाहीची येणार नाही। आणि आपण लोकशाहीला मानतो, जो संविधानमधून आपल्याला हक्क दिला आहे की आपल्याला मतदान करायचा, तो संविधान बदलून या लोकांचा प्रयत्न आहे की संविधान बदलून येणार 2024 निवडणुकीत मला वाटत नाही आपल्याला मतदानाचा अधिकार पण देणार की नाही। तो मेरी प्यारे बहनों, आप लोग ने ये सोच लेना कि अभी इस बार इन्होंने अभी 2-3 टीमों को खड़ा कर दिया है, हमें गुमराह कांग्रेस के जो पक्के वोट है उन्हें गुमराह करने के लिए इन्होंने 2-3 टीम को खड़ा कर दिया है। तो आप मुझे बताओ, पानी कौन लाया? चंद्रा चौहान साहब ने लाया। और दारू कौन लाया? आपको मालूम दारू कौन लाया? दारू कौन लाया मालूम है? कौन है? अभी जो अपना बीजेपी का उम्मीदवार है उसकी 24 दुकानें दारू की इधर। तो ये आपको सोचना है, आपको पानी वाला इंसान चुन के लाना है कि दारू वाला इंसान चुन के लाना है, ये आपके हाथ में है। तो आपने जो इंसान लोगों की सेवा, और हमारे नांदेड़ है ही भी नहीं, वो है लातूर जिले का, कंधार का है। उस इतने साल से माननीय शंकर चौहान साहब ने ये भाग को, नांदेड़ जिला को संभाला, मराठवाड़े को संभाला। आज नांदेड़ जिले में और मराठवाड़े में अपने पास एक ही भी नेता है जो अपनी आवाज दिल्ली तक पहुंचा सके, या अपनी यहाँ मराठवाड़े में जो आपको तकलीफ है वो तकलीफ हमारी आवाज पर। इसीलिए अपने को अपनी बुलंद आवाज माननीय अशोक चौहान साहब को अपने बहुमत से वहां भेजना है। आप सबको मेरी ये इल्तिजा है कि आने वाले 18 तारीख को एक दिन का रोजा समझ के जल्दी उठ के अपनी गर्मी से पहले, नहीं तो धूप शुरू हो जाएगी, फिर आप लोग बोलोगे धूप है, कोई बोलेगा अभी थोड़ी देर के बाद जाते हैं, कुछ भी हो 18 तारीख को रोजा रख के हम लोग सब आपके जैसे हम भी रोजा रखेंगे, उसे अपना पाक हाथों से वो पाक मतदान करेंगे और अपना अशोक चौहान को चुना के लेके आएंगे। पक्का आप एंजॉय आएगा। फिर आप सबका प्रेम आशीर्वाद अशोकराव जी के साथ है तो मुझे नहीं लगता कोई भी किसी भी और किसी की हिम्मत होगी कि वो अशोकराव को धक्का भी लगा सके, उसके बाल को धक्का। ये नांदेड़ की जनता थी, मोदी लाट में भी नांदेड़ की जनता थी जिन्होंने अशोक चौहान को चुन के लाया, अभी भी वही नांदेड़ की जनता है और वही मोदी की लाट है, आप सब चुन के लाएंगे, ये मुझे मन तन मन से भी कबूल है। ये आप हाँ अभी भी देखो सरकार आए हैं, किसके लिए आए हैं? पिछली बार आए थे और यहाँ आके बोले थे कि जिसने बैंक को गुमराह किया, जिसने बैंक को बैंक लूटी, जिसने कारखाने बंद किए, जिसने ये किया, जिसने वो किया, उन सबको हम अकाल देंगे, उन सबको हम जेल में डालेंगे। और वही सब लोग हमारे यहाँ से उठ के बीजेपी में गए, अब वो सब उनके केस बंद हो गए। हिम्मत करके जब लड़ता है इंसान तो आदमी को उसकी हिम्मत की दाद अल्लाह भी देता है। तो एक ही मैं शेर बोलूंगी, चिंगारी से निकली उसे आग कहते हैं, चिंगारी से निकली उसे आग कहते हैं, संगीत से निकला उसे सुर कहते हैं, संगीत से निकला उसे सुर कहते हैं, और जंगल में सबसे अच्छा जो महंगा झाड़ है उसे साग कहते हैं, और जो तकलीफों को मात देके सामने आए उसे कुसुमताई का वाक कहते हैं। और यही इस वाक को आप सबने आने वाले 18 तारीख को
अपनी बहुमत देना है अशोकराव चव्हाण साहब को, जिता के लाना है। इतनी ज्यादा नहीं लूंगी समय, आप बहुत टाइम से यहाँ बैठे हैं, घर पे जाके खाना बनाना है। जाने से पहले मैं एक जोर से नारा दूंगी, आप मेरे बहने सब साथ देंगी, देंगी क्या? यहाँ आवाज गूंज दीजिए बाहर तक कि माहौल कांग्रेस का है, ये सब हमारी औरतें हमारी बहनें अशोकराव चव्हाण के साथ है, अपने भाई के साथ है, पक्का? हाँ, तो मेरी आवाज देखो माइक पे, मैं माइक आज मैं कर दूंगी, आपकी आवाज सुननी चाहती हूँ, मैं कितनी जोर से आप बोल सकते हैं मैं देखना चाहती हूँ, पक्का? आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी एलईडी, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, एलईडी पट्टी, टू व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, एक वेळ अवश्य भेट द्या, टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।